अशोकनगर वार्ड की बात करें जो कि रोहतास नगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर देखने में आ रहा है आम आदमी पार्टी के पोस्टरों को, होर्डिंगों को लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उतारे जा रहे हैं, फाड़े जा रहे हैं। हमारे बीच में तीन तीन, मैं ये कहूँ, कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के, उसमें मनोज कुमार जी भी हैं, सुभाष जी भी हैं और डॉक्टर ब्रजभूषण जी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के पोस्टरों को, होर्डिंग को फाड़ा जा रहा है। नमस्कार राहुल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ, सभी क्षेत्र अधिकारी हैं किसी भी पार्टी के हैं, कि ये एक बौखलाहट है बीजेपी की जो दिखाई देती है आपको। जब कुछ ना मुद्दे मिलते हैं किसी सरकार के लिए तो आप लोग क्या करते हैं कि जो भी आम आदमी पार्टी के लोगों ने होर्डिंग्स लगाए हैं, जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात एक कर रहे हैं, जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, हम लोग एमसीडी में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अपनी सरकार लाना चाहते हैं, उसके लिए हमें लोगों को अपनी विजिबिलिटी दिखानी है, वो एक माध्यम होता है होर्डिंग और पोस्टर का। तो अब हो ये रहा है कि जितने भी होर्डिंग्स आम आदमी पार्टी के हम लोगों के हैं वो सब हटा देते हैं, ये जो इनकी गाड़ी आती है सुबह कूड़े वाली, उस वो जो दो तीन लोग होते हैं वो मिलके सारे होर्डिंग्स पोस्टर हटा रहे हैं आम आदमी पार्टी वालों के, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट्स के या जो दावेदार हैं उनके पोस्टर्स अभी भी वहीं पर लगे बरकरार हैं। तो ये बौखलाहट है बीजेपी की, शायद बीजेपी को अब ये समझ में आ गया है कि जैसे हमें, हाँ, जैसे हमें समर्थन मिल रहा है आम आदमी पार्टी को पंजाब में और भी स्टेट्स में जहाँ भी इलेक्शन है, तो उन्हें अब कहानी समझ में आ रही है कि अब एमसीडी में उनकी सरकार जाने वाली है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। मनोज जी, आप क्या कहेंगे, बौखलाहट तो नजर आ ही रही है? बीजेपी बौखला गई है, बहुत बुरी तरीके से बौखला गई है, और जैसे होर्डिंग पोस्टर उतार रहे हैं बीजेपी के, नहीं उतर रहे हैं लेकिन आम आदमी पार्टी के रात को लगाओ सुबह साफ मिलते हैं, इससे बीजेपी की बौखलाहट सरासर जाहिर हो रही है। कहीं ना कहीं वार्ड की सुंदरता को भी तो खराब किया है। वार्ड की सुंदरता को खराब नहीं किया, वार्ड की सुंदरता बीजेपी के होर्डिंग पोस्टर देखिए, जगह जगह ये लगे हुए हैं, रोज नए नए चेहरे निकल कर आ रहे हैं जी, जी। लेकिन हमें उस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन ये तो एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, उतार दो सारी कूड़े वाली गाड़ियां आती हैं वही खींच के ले जाते हैं, गलत है ना, या तो उतार रहे हैं तो सबके उतारें, बिल्कुल ठीक बात है। बोगला गए, भेदभाव क्यों, भेदभाव है सरासर, ये जो है भेदभाव है। 15 साल इनको एमसीडी में हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं बदली। मैं तो जनता से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, 15 साल आपने इनको दिए, 5 साल हमें दीजिए, जो इन्होंने 15 साल में नहीं किया हम 5 साल में करके दिखाएंगे। ऐसा क्या करके हमने दिखाने वाले, व्यवस्था बदलेंगे, कर्मचारियों से काम लेंगे, कर्मचारी जो है बैठे रहते हैं, सफाई कर्मचारी मान लो 100 की ड्यूटी है, 100 में 50 ही आते हैं ड्यूटी पे जी, 50 आते ही नहीं है, हाजिरी लगती रहती है उनकी, ये घोटाला ही है ये जो सरासर। तो इस व्यवस्था को बदलेंगे हम। सुभाष जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आपके भी होर्डिंग पोस्टरों को फाड़ा गया है, नुकसान पहुँचाया है? हाँ जी, मेरा भी नुकसान करा है इन्होंने जी, और हम तो चाहेंगे भाई केजरीवाल जी आए इस बार जी एमसीडी में और कई कार्य करेंगे उन लोगों के लिए, जैसे कि लेंटर पे पैसे मांगते हैं, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो वो सारे छूट जाएंगे। भाजपा बौखला चुकी है, आप लोग जो होर्डिंग पोस्टर फाड़े जा रहे हैं? हाँ जी, भाजपा बौखला दी बुरी तरह से केजरीवाल के कामों को देख के। अशोकनगर के अंदर क्या कहेंगे, केजरीवाल आएंगे पक्का? हाँ जी, एमसीडी में केजरीवाल और अशोकनगर में केजरीवाल, अशोकनगर में भी केजरीवाल। क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी की इस समय सरकार बनने जाएगी, बनेगी नगर निगम के अंदर? सर बिल्कुल बनेगी और भारी वोटों से यहाँ विजयी बनेंगे ये। आप क्या कहना चाहेंगे, अगर हम समाज की अगर हम बात करें तो सब समाज हमारे साथ चलने को चल रहा है? सारा समाज राहुल भाई हमारे साथ है, और ऐसा नहीं है कि खटीक समाज के साथ में कोई समाज नहीं, सारा समाज हमारे साथ है। अगर हमारे समाज को टिकट मिलता है तो भारी मतों से जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों वार्डों के अंदर सबसे भारी मतों से हमारी विजयी होगी। हमारे साथ में इस इंटरव्यू के दौरान तीन तीन कद्दावर जो दावेदार हैं वो एक ही मंच पर आ चुके हैं। अगर क्या मन बना लिया है टिकट एक तुमको मिलना ही है, आप लोग मन बना चुके हैं? बिल्कुल मन बना चुके हैं। इस बार हम लोगों ने ये सोचा है कि हम भीड़ में अगर हम अलग अलग चलते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारे समाज का नुकसान है। हम सबने सोचा है कि हम अब मिलके लड़ेंगे, और ये पार्टी को डिसाइड करना है कि जो भी आपको योग्य लगता है आप उसको टिकट दें, हम सब उसके पीछे हैं। और एक चीज़ और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ अपने समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसमें सर्व समाज की बात कर रहे हैं। आप किसी भी समाज से हैं, सब के साथ हम को, मतलब हमें किसी से भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी पार्टी का नेतृत्व ही है जो हमें इंस्पायर करता है, प्रभावित करता है कि भाई सर्व समाज की बात करनी है हमें, तो हमारे साथ सब सारा समाज जुड़ा है।
और समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, क्या पूर्व विधायक हमारे साथ चलने को तैयार है? बिल्कुल, पूर्व विधायक हम सबके साथ चलने को तैयार है, बल्कि उन्हीं के नेतृत्व में, बहन सरिता सिंह के नेतृत्व में ही हम जो भी लोगों से जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं, हम लोगों से मिलना जुलना कर रहे हैं, हम जो भी हमारी मीटिंग्स होती है हम उन्हीं के नेतृत्व में कर रहे हैं, और श्री अरविंद केजरीवाल जी के तो वो तो हमारे साथ हैं ही, पूर्व विधायक भी हैं हमारा, मतलब उनको वो हर तरह से हमें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार, और करती भी हैं, हमारा हौसला भी बढ़ाती है, मोटिवेट रखती है पूरी टीम को, पूरे संगठन को। मनोज जी, देखने में आ रहा है कि महिलाएं खासतौर से आम आदमी पार्टी के साथ हैं, भाजपा के घरों में हम जाते हैं वहाँ पे कहते हैं हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं, महिलाएं भारी मात्रा में हमारी आम आदमी पार्टी के साथ हैं, ऐसा ही नहीं है कि इसी वार्ड में, पूरी दिल्ली के अंदर महिला शक्ति हमारे साथ हैं जी, और पूर्ण रूप से हम काम करके दिखाएंगे, और अपने वार्ड में तो खासकर हम अगर जो यदि किसी सही हमारे समाज को टिकट मिलता है तो हम बीजेपी की जमानत जब्त करके दिखाएंगे। जमानत जब्त? बिल्कुल, बीजेपी की जमानत जब्त करके दिखाएंगे, क्योंकि बीजेपी एमसीडी में जो बीजेपी की सरकार है इससे हमारे क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। सुभाष जी, अगर आपको टिकट नहीं मिलता और मनोज जी को टिकट मिलता है, सहमत हैं? सहमत हूँ जी, पूरी तरह से, पूरी तरीके से। एक ही बात है, एक ही बात, एक ही बात है। शरीर तीन है, आत्मा एक, आत्मा एक है, आत्मा एक, किसी को भी हो जाए, किसी को भी हो जाए, मनोज जी की जगह ब्रिजभूषण जी को कोई बात भी, हाँ बिल्कुल मैं सहमत हूँ, हम सब एक हैं बिल्कुल एक शक्ति हम, बस इंतजार टिकट का है, बिल्कुल हम सब एक हैं, मन से एक हैं, दिल से एक हैं। मोहन जी, अगर हम बात करें, क्या नाम है, अभी परसों ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगभग बच्चों के लिए 12,500 क्लासरूम का उद्घाटन करा है, स्मार्ट क्लासेस का। हाँ जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये आज समय की डिमांड है जी। समय की डिमांड इसलिए, पिछले 2-3 साल से बच्चे स्कूल जा नहीं पा रहे, स्कूल्स बंद है, बच्चों को पढ़ना है, उनका एकेडमिक और उनका करियर खराब ना हो, उसके लिए आपको ऑनलाइन चाहिए था। अब ऑनलाइन में क्या होता है, जैसे जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप है, इंटरनेट है, क्योंकि दोनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अच्छे से क्लासेस अपने बच्चों को दिलवा पा रहे हैं, लेकिन अब बात आती है उस लेवल की, उस तबके की, जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता है ना। आजकल हर चीज़ महंगी हो गई है, और जब से कोरोना हुआ है आप सोच लीजिए, जितने भी ये डिजिटल गैजेट्स हैं, लैपटॉप, सेकेंड हैंड लैपटॉप भी आज बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है उसे अफोर्ड करना। तो केजरीवाल साहब ने जो ये किया है, ये एक आम आदमी को जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए, उसके बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए ये बहुत अच्छा उन्होंने किया है, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी। भाजपा के पार्षदों का कहना, आम आदमी पार्टी ने तो अब किया, हमने नगर निगम के अंदर आज से 3 साल पहले कर दिया, कुछ नहीं किया है, बातें बनी है। आज स्कूलों की हालत आप देख लीजिए, जो टेंट वाले स्कूल कभी टेंट वालों के नाम से हुआ करते थे, मतलब घर के एड्रेस पे आप ये लिखते थे कि टेंट वाले स्कूल के पीछे साइड में दाएं बाएं, आज टेंट वाले स्कूल दिल्ली से गायब हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, हर फैसिलिटी आज वहाँ पर दी जा रही है बच्चों को भविष्य के लिए, और टीचर्स बहुत ही ईमानदारी से अब अपने बच्चों को, जो एक रिश्ता होता था विद्यार्थी का और एक गुरु का, वो सही मायने में आज दिल्ली के स्कूलों में आपको देखने को मिलेगा। तो ये थे हमारे बीच में तीनों कद्दावर नेता, जिनका सीधा सीधा ये कहना है कि हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं, टिकट किसी को भी मिले इन तीनों में से, हम तीन शरीर हैं मगर आत्मा एक है, फैसला पार्टी ने करना है, टिकट किसको देती है और किसको नहीं समय ही बताएगा। वहीं भाजपा के लिए भी इनका कहना है, और भाजपा का बौखलाहट भी नज़र आ रही है, होर्डिंग पोस्टर लगातार पार्टी फाड़े जा रहे हैं, उतारे जा रहे हैं। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी।